हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसे हम MVC के नाम से भी जानते हैं, उसके कैंपस के बारे में और इस कॉलेज के अंदर हम BEd में एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में। और साथ ही वीडियो में काफ़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको MVC के रिगार्डिंग, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सिमिलरली इससे पहले वाली वीडियो में हमने CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना था, उस कैंपस के बारे में, उसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको DU BEd के रिगार्डिंग नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसे हम MVC के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना सन 1995 में सकरपुर में हुई थी, पर 2003 में इसे गीता कॉलोनी में लोकेटेड कर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है और ये सभी कोर्स के स्टूडेंट के लिए BEd का कोर्स ऑफर करता है। अब चाहे आप साइंस स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, ये सभी स्टूडेंट्स को उनके लिए स्पेसिफिक फील्ड में BEd का कोर्स ऑफर करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी रिप्यूटेड एंड वेल नोन इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन BEd कोर्स। सिमिलरली एस CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इट हैज ऑल्सो गोटन ए ग्रेड इन NAAC रैंकिंग विच शोज इट्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन। सो लाइक दिस इट इज ऑल्सो वेरी रिप्यूटेड एंड वेल नोन इंस्टीट्यूशन ऑफ BEd, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd, सो यू मे गो फॉर इट एंड टेक एडमिशन इन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टीचिंग फैकल्टी। सो द टीचिंग फैकल्टी ऑफ MVCE इज वेरी सपोर्टिंग एंड इट हेल्प एवरी पीपल और एवरी स्टूडेंट्स इन देयर फील्ड एंड इट ट्रेन्स स्टूडेंट्स लाइक अ टीचर, सो दैट आई अप्रिशिएट द टीचिंग फैकल्टी ऑफ MVCE। अब बात करते हैं इसके कैंपस और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि MVCE में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, बट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर द हॉस्टल फैसिलिटी इन CIE। MVCE का जो कैंपस है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है CIE की तरह, बट यस, जो भी है इसका वो बहुत ही मैनेज और मेंटेन्ड है, जो कि देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसकी जो बिल्डिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अमेजिंग है देखने में, जो कि वेल सेफ्ड है और देखने में इसकी बिल्डिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। साथ साथ MVCE में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें आपका लैब और वेल डेकोरेटेड लाइब्रेरी होती है, मल्टीपर्पज़ हॉल होते हैं, सेमिनार रूम्स होते हैं, और जो वाईफाई जो कैंपस है वो पूरा वाईफाई फुली वाईफाइड होता है, तो आप कहीं भी जाकर नेट चला सकते हैं, कहीं भी जाकर कनेक्टेड रह सकते हैं। और दोस्तों, MVCE में एडमिशन लेने के प्रोसेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे भी एडमिशन उसी प्रोसेस के तहत होता है जिसमें जैसे अदर कॉलेजेस में होता है। यहाँ पे भी आपको पहले BEd का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, देन उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकलती है एंड बाद में आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस रहता है जैसा अदर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में रहता है। MVCE में काफ़ी एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम आती रहती है, आयोजित होती रहती है, जिसमें बच्चे भाग लेते हैं और काफ़ी कुछ इम्प्रूव करते हैं अपने में और काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिलता है। तो ये भी MVCE की खासियत है, जो कि MVCE को अलग बनाती है अदर कॉलेजेस से, अदर इंस्टीट्यूट से। एंड इन लास्ट, आप ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं MVCE का। तो इस तरह ये पूरी वीडियो थी MVCE के बारे में। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको DU BEd के रिगार्डिंग नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट DU BEd के रिगार्डिंग जो भी वीडियो होगी उसमें।